अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एमनी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं मुंबई के सबसे बड़े वेजिटेबल मार्केट को। यहाँ से ही पूरा मुंबई में हर जगह पे लोग जो है यहाँ से खरीद के, पूरी जगह पे तरकारी वेजिटेबल जो है पूरा यहाँ से ही खरीद के सेल करते हैं। तो पीछे इसका मार्केट है, तो हम लोग अंदर मार्केट में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेबल्स मिलती है और कौन कौन सी तरकारी है। तो लेट्स गो, चलते हैं। अब यहाँ से ये पूरा मार्केट ऐसा स्टार्ट होता है, ये है मेन गेट यहाँ का। अब ये पूरा मिर्ची वगैरह का ही है, इतना सुबह में इतना ज़्यादा क्राउड है। टाइम हो रहा है 9:30। तो ये है सबसे बड़ा मार्केट दादर का वेजिटेबल का। तो यहाँ पर भी अलग अलग टाइप की गली वगैरह है, और यहाँ पर ये पूरा होलसेल भी है, रिटेल भी है, दोनों भी टाइप का मार्केट है ये दादर का। अब अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कैप्सिकम है, ये छोटे छोटे से आलू है, और उसके अलावा बैगन बैगन पूरी टाइप की यहाँ पर जो है तरकारी अवेलेबल रहती है। अगर आपको कुछ डिफरेंट तरकारी चाहिए जो आपके घर के पास नहीं मिल रही है, अलग अलग चीज़ें, तो वो पूरी यहाँ पर मिल जाती है। अभी ये देखो, ये भी नहीं, ये कैसा है? 60 रुपये किलो। और सेब 60 रुपये किलो, पूरा 60 रुपये किलो। तो ये जो है रिटेल में भी सेल करते हैं लोग, और ये होलसेल के लिए भी ऐसा बड़ा बड़ा पैकेज रहता। अब ये कैरेट भी देख सकते हैं आप, इतना ज़्यादा कैरेट का पूरा है, और ये पूरा वेजिटेबल, पत्ता गोभी, करेला, मतलब अच्छा खासा बड़ा मार्केट है काफ़ी, और बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। और यहाँ पे प्राइस जो रहता है वो होलसेल का प्राइस अलग रहता है और रिटेल का प्राइस अलग रहता है। रिटेल शॉप में जो एक किलो दो किलो जो लोग लेते हैं उसका रेट अलग रहता है ये, और यहाँ से लेके लोग बेचते भी है अपनी अपनी जगहों पे, जैसे लोकल में मुंबई में। आलू ले लो, कांदे ले लो, घरों के पास जैसा सेल करते हैं वैसा सेल होता है यहाँ पे भी। और उसके अलावा दूसरा भी सेल, जैसे कि अब यहाँ से खरीद के अपने अपने इलाकों में भी लोग सेल करते हैं। अब ये देखो होलसेल का है ये, इससे ये कैसा है भाई, ये कैसा है, कितने का है ये? 50 रुपए किलो। फूल का हिसाब नहीं आता क्या? ये किलो का हिसाब है यहाँ पे फूल का, अपने हैदराबाद में जैसा एक फूल का हिसाब आता वैसा नहीं रहता, यहाँ पर जो है किलो का हिसाब है, पूरा किलो के हिसाब से अलग अलग है ये। अभी अदरक लहसुन है पूरा, ये कैसा है, ये किलो है ना, ये कैसा आता किलो? 20 रुपए। ये 20 रुपए का है किलो, 20 रुपए किलो है ये। और बहुत सी तरकारी है यहाँ पर, इतना कुछ जगह जो है छोटी है, कंस्ट्रक्शन है जगह उतनी बड़ी नहीं है। अब यहाँ पर जो है दूसरी तरफ आए अपन यहाँ से सीढ़ी निकाल से, अब यहाँ पर ये रोड की तरफ आ जाती है सीधी, ये कोतमीर वगैरह का। कैसा है ये धनिया, कैसा है, कट्टा कितने का है? 12 रुपए का। ये धनिया का कट्टा है, अलग अलग टाइप के यहाँ पर पूरी चीज़ें हैं, बड़ा मार्केट है वो। जो था अंदर का मार्केट था, लेकिन यहाँ पर ये रोड साइड में भी लगता है, रोड साइड में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अब ये रोड साइड के मार्केट भी अपन यहाँ से पैदल चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे रोड साइड में कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब ये पूरा पालक वगैरह का हो रहा है, ये कैसा है ये भाई? 25 रुपये, ये 15 रुपये का एक कट्टा है, ये बिक गया ज़्यादा तो। और ये पूरा धनिया का है, ये पूरा कोतमीर है, कोतमीर कैसा है, कोतमीर का है 40 रुपया, ये 40 रुपये है।
₹50 40 में आ जाएगा, ये भी 40 में आएगा, 50 में आएगा। और ये कोतमीर का है, कोतमीर नींबू वगैरह रोड साइड में भी है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, नींबू वगैरह का भी रोड पे है। और ये कोतमीर का ये छोटा वाला है, कितने का है ये? कोतमीर है जी। हाँ, कोतमीर ही बोल रहे लोग। कितने का है? 30 रुपए। ये 30 रुपए का है। कितना लगेगा आपको? ये 30 रुपए में आएगा यहाँ पर, और 10 रुपए कम हो जाएगा, 20 रुपए में आएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, रोड साइड में भी रहता है पूरा मार्केट। अंदर मेन मार्केट अलग है, रोड साइड मार्केट अलग है। ये पूरा रोड साइड में आपको कैप्सिकम वगैरह भी पूरा मिल जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर ये स्वीट कॉर्न बना रहे तोड़ के। और ये बिनीस भी दो साइड मार्केट है। पहले ये स्टार्टिंग जो होता है स्टेशन के बाद से रोड पे से स्टार्ट होता है। मेन मार्केट जो है अंदर है, रोड पे भी अच्छी वैरायटी है वेजिटेबल्स की, और अंदर भी बहुत अच्छी वेजिटेबल की वैरायटी है। अंदर जो है होलसेल में भी देता है, रिटेल में भी देते हैं, और रोड साइड पे भी होलसेल रिटेल दोनों में देते हैं। होलसेल रिटेल में 10-15 रुपये का फ़र्क आता है, उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि उनको भी यहाँ से लेके दूसरी जगह सेल करना होता है। तो आप मुझे कमेंट में बताएं, आपको हैदराबाद का मार्केट ज़्यादा पसंद आ रहा है या यहाँ का मार्केट ज़्यादा पसंद आया? और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके बाद मैं कहाँ का वीडियो बनाऊँ ये भी मुझे ज़रूर बताइए। सो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एमली ब्लॉग्स को। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।